प्राइम के न्यूज शैली की तरफ से नमस्कार। मल्लभगढ़ वार्ड नंबर 40 के वंशीदे अपनी समस्या को लेकर नेताओं के पास गुहार लगाने की बजाय लेते हैं भगवान का सहारा। आइए जानते हैं वो किस तरह लेते हैं सहारा, या भगवान का या इंसान का। बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 40 के वाशिंदे अपनी समस्याओं को लेकर नेताओं के पास गुहार लगाने के बजाय लेते हैं भगवान का सहारा। ये बात खुद वार्ड नंबर 40 के पार्षद सविता तवर के पति राकेश गुर्जर ने उस वक्त कही जब स्थानीय विधायक मूलचंद्र शर्मा के भाई टिप्पर चंद्र शर्मा वार्ड में ही एक पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। दिखाई दे रहा ये नज़ारा बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 40 का ही है, जहां आज भी मूलभूत समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कहने को तो बीजेपी के शासनकाल में यहां पर धड़ल्ले से विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन वार्ड के हरिविहार में अभी भी सड़क पानी और गंदे पानी की निकासी जैसी अनेकों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पानी की लाइन देखी ना, आरएमसी रोड देखे ना, इंटरलेक्ट ऑयल देखी, आज जो पाइप देख रहा हूँ डीआई का, ये हरिविहार में आज दिशा देने का काम करेगा। सबसे पहले काम पूरे बल्लभगढ़ में वार्ड नंबर 40 में डीआई की पाइप का उद्घाटन आदरणीय विधायक जी के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से। हमने हरिविहार में जहाँ कम कुछ नहीं होता वहाँ सबसे बड़ा डिस्पोजल सामने दिख रहा, सबसे अच्छी पानी की लाइन डीआई की जो लगभग प्रतिनिधि आज उद्घाटन करने आए हैं, किस चीज़ का उद्घाटन है, कितनी लागत से होगा ये पानी का उद्घाटन है? मीठे पानी का, और ये बहुत पुरानी डिमांड थी हमारे कॉलोनी वासियों की, करीब करीब 1 करोड़ के आसपास का है। मेन रोड तो डल गया है, अंदर की गलियों का आज से हमने चालू किया है। देखने में आ रहा कॉलोनी में समस्याओं का अंबार लगाया, आप खुद एक खराब रास्ते से होकर आ रहे हैं। 40 साल पुराना, 70 साल पुराना अंबार है, टाइम तो लगेगा। 5 साल तो आपको भी मिल चुके हैं, अब 4-5 दिन के बाद देख लेंगे ठीक हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ सारी हो जाएंगी, जितनी हमारी आपने ड्यूटी लगाई है सारी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ना होंगी तो दादा पकड़ लेंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।